कप्तान रोहित शर्मा अपने आप को रोक नहीं पाए और बीच मैदान में ही गालियां देने लगे, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इरादे साफ नजर आ रहे थे। मैच की पहले ही गेंद में ऑस्ट्रेलिया ने जोरदार सिक्स लगाकर यह साफ दिखा दिया था कि यह मैच वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यह मैच बिल्कुल नहीं जीत पाती। यदि युजवेंद्र चहल और दिनेश कार्तिक कप्तान रोहित शर्मा को DRS लेने के लिए हाँ कर देते। मैच में सबसे ज्यादा घातक नजर आ रहा है ग्रीन। मैच के शुरुआत में ही LBW आउट हो चुके थे, पर एम्पायर ने ग्रीन को नॉट आउट दे दिया, जिसके बाद युजवेंद्र चहल और दिनेश कार्तिक को यह बताना था कि DRS लेना है या नहीं। कप्तान रोहित शर्मा पूछ भी रहे थे, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया। लेकिन जैसे ही मेन स्क्रीन में उस LBW का रिव्यू दिखाया गया तो पता चला कि ग्रीन पूरी तरह से आउट थे, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। कप्तान रोहित शर्मा ने चहल और दिनेश कार्तिक को गाली देना शुरू कर दी। बेशक यदि वह DRS ले लिया जाता तो मैच भारत जीत जाता। यहाँ पर ऋषभ पंत की कमी खासी महसूस हुई। आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत होते तो यह DRS चूकने देते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।